اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहमा रही अलहमदुल्ला إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم सबसे पहले तो मैं एक दुआ के लिए कहना चाहता हूँ अभी उन्होंने बताया कि कादियान में क्योंकि गर्मियों में उन मुल्कों में आंधियाँ बहुत आती हैं तो आंधी के आसार पैदा हो रहे हैं दुआ करें ताला ये वक्त जो है जलसे का बकाया कार्रवाई ताला खैरियत से गुजार दे अल्लाह <coughs> ताला का ये बड़ा फ़जल एहसान है कि जलसा सालाना कादियान आज अख्ताम को पहुँच रहा है इन दिनों में जलसे का इनक़ पहला तजर्बा था इंतज़ामिया भी परेशान थी और अभी तक तो अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया कि जिस दिन जलसे का इक़ाद होना था उससे एक दिन पहले सुबह भी आंधी आई सारे इंतजाम आदर भरम हो गए शाम को भी आंधी आई तमाम इंतजाम आदर भरम हो गए लेकिन ताला के फ़जल से अहमदियों ने जो कारकुना, कारकुनान ने नौजवानों ने रात भर काम करके जलसा का इंसाम अगले दिन के लिए तैयार कर दिया अल्लाह करे कि बाकी वक्त ख़ैरियत से गुज़र जाए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यह पहला तजर्बा था लेकिन अल्लाह ताला का हज मुसीम्सात की जमात से हमेशा ये सलूक रहा है कि जब भी कोई नामसाद हालात पैदा हुए अपने मरवज़ा तरीक़ से हट कर काम करने की मजबूरी पैदा हुई और हमने ख़ुदा ताला से मदद मांगते हुए उसके हजूर झुकते हुए उस पर तोल करते हुए उस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार किया तो खुदा तला की मदद हमेशा शामिल हाल रही ये जलसा सालाना जो इन दिनों में हो रहा है इसका इनका तो असल में दिसंबर में होना था और उसके लिए मैंने नवंबर के आखिर में भारत का सफ़र भी किया था लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पहले मैं जनूबी भारत के दौरे पर गया और उस दौरे के दौरान मुल्क में बाज़ हालात ऐसे पैदा हुए जिनकी बिना पर मैंने ये फ़ैसला किया कि कादियान का जलसा मुलतवी कर दिया जाए अल्लाह ताला ने बड़ी शिद्दत से जलसा सलाना के इनका मुलतवी करने के बारे में दिल में डाला था इसके इनका के बारे में रोक और कब्ज़ की हालत पैदा की थी बाज़ कादियान के मुखलसीन ने लिखा भी कि गो हालात बज़ाहिर ख़राब नज़र आ रहे हैं लेकिन तो वसीम सलाम ने कादियान को दारुल उलूम कहा है इसलिए कादियान का जलसा मुलतवी करने का फ़ैसला न किया जाए बहरहाल ये उनके जज्बात थे और मेरे जनूबी हिंदुस्तान से वापसी के बाद बेशुमार अहमदियों ने अपने जज्बात का इज़हार किया इसी तरह पाकिस्तान से जो अहमदी जलसा में शामिल होने के लिए होने की उम्मीद लगाए बैठे थे उनके भी बहुत जज्बाती ख़त आए बल्कि अभी तक आ रहे हैं लेकिन उस वक्त जो हालात थे और उसके मुताबिक जैसा कि मैंने भारत से वापस आकर अपने ख़ुद में, में बयान भी किया था जो फ़ैसला किया गया वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था लेकिन सही फ़ैसला था और बाद में जो मज़ीद हालात और बातें पता लगें दुश्मन के अजायम सामने आए उसने इस फैसले की मजीद तायद कर दी बहरहाल फिर भारत के इंतबात की वजह से इस जलसे को मुलतवी करना पड़ा और फिर गुजशत माह जब इंतखा हो गए तो यही फैसला किया गया, गया कि मई में जलसा मनकद किया जाए तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा इस वक्त जलसे का अख्ताम हो रहा है इस ताल्लुक़ में चंद बातें मैं कहूँगा जलसा सालाना के इनका मकसद हर अहमदी जानता है और ख़ास तौर पर कादियान के रहने वाले पुराने पुराने अहमदी इसको अच्छी तरह जानते हैं जिनकी अक्सरियत इस वक्त जलसे में शामिल है क्योंकि जलसा सलाना क्योंकि छोटे पैमाने पर मनद हो रहा है इसलिए हिंदुस्तान से भी बहुत कम तादाद में शामिल हुए हैं लोग लेकिन बहरहाल बाज़ नौवाइन भी इस जलसे की बरक़ात से मुस्तैद होने के लिए इसमें शामिल हुए हैं उनके लिए भी और पुराने अहमदियों के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि बाज बातें बावजूद जानने के और इल्म में होने के अगर बार बार दोहराई ना जाए तो इंसान या भूल जाता है या उस तरह भरपूर तोजो नहीं देता जिस तरह तोजो देने का हक़ है इसलिए मैं आपको ये तोजो दिलाना चाहता हूँ और हो सकता है कि बाद मुक्रीन ने जलसे की तकारीर में तोजो दिलाई भी हो इस्त में ख़ास तौर पर कि हज़ मसीमलाम ने जो जलसा सालाना के इनका के मकासद बयान किए हैं उन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए ये मकसद मैं मुख्तर बयान कर देता हूँ पहला मकसद तो ये था कि हर एक मुखलस की बिलमवाज़ा दीनी फ़ायदा को बिलमवाज़ा दीनी फ़ायदा उठाने का मौक़ा मिले अब ये बिलमवाज़ा या आमने सामने बैठकर खुद आकर इस ज़माने में तो हम हम जमाने के इमाम की बातें नहीं सुन सकते वो खुशकस्मत लोग थे जिन्होंने हज मसीमदलाम का ज़माना पाया और उससे खूब फ़ैज़ उठाया लेकिन ज़माने के इमाम ने कुरानी तालीमत की तफसीरों का एक ऐसा वसी खजाना छोड़ा है जिससे हर जगह हर एक फैस पा सकता है लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक की इल्मी काबलीत और इस्तेदादें एक जैसी नहीं रखी उनको बाद मौक़े मुहैया नहीं हुए इसलिए गो गोया ख़जाना तो मौजूद है लेकिन उससे हकीकी फ़ैज़ उठाने के लिए उससे इस्तीफ़ा करने के लिए उन लोगों की मदद की ज़रूरत है जो बेहतर तौर पर इल्मी और रूहानी खजाने को समझ सके और अगर आलिम बमल हैं तो सल्लल्लाहु सल्ला वम की हदीस के मुताबिक उनकी मिसाल ऐसी ज़मीन की तरह है जो बारिश के पानी को जज्ब करके अपनी रोहित को ज़िंदा करती है और फिर उस पर जो फ़सल काश्त होती है वो दूसरों को फैज़ पहुँचाने का ज़रिया बनती है दिलों की हकीकत तो खुदा ताला जानता है